अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं उठ चुकी हूँ, मैंने जो काम था सब ख़त्म कर दी हूँ। और अभी पापा खाने मांग रहे हैं, जा रही हूँ पापा को खाना देना है। पापा नाश्ता करने के लिए कितना बार बुलाया है, अभी मैं जा रही हूँ पापा को नाश्ता दूँगी। और दादी तो इतना जोर चिल्ला रहे हैं, मत बोलो, उनका आवाज़ में सुनाऊँगी वो कैसा चिल्ला रहे हैं। जा रही हूँ, उनका भी काम का ख़त्म करना है। और चलो देखते हैं क्या करती हूँ, जाऊँगी पापा को देना है ये। चलो देते हैं पापा को। हेलो, अरे घर में आओ, भाजा बन रहा। हाँ कितना जोर से चिल्ला रहे। कैसे बैठे हुए हैं देखो, सबको पूरा क्या हुआ? नहीं, चलो देखते हैं आपके भाई क्या कर रहे हैं। आपके भाई अब तक भी सोए नहीं, सो के मोबाइल देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग। सो उठ गए हो? कब से जुटे? आप भी उठे? आप भी उठा? फर्स्ट में उठा, फर्स्ट में उठा। अब देख सकते हो कौन उठा है फर्स्ट। उठो, ब्रश करो, ब्रश करके दुकान जाओ। उठो, उठे, उठाओ, जाएंगे दादी का। जबरदस्ती वाला किस जबरदस्ती वाला बोलो कि आप किस करते ऐसा कर दूंगा इसको खुल लगे जबरदस्ती लग जा रहा है। चलो आपको तो दिखा के दादी किस चिल्ला रहे हैं, जल्दी आके मेरा सब चेंज करो। तो चलो जाएंगे, दादी का चेंज करेंगे, दादी का काम खत्म कर दूंगी, फिर मेरा टेंशन खत्म। ठीक है, आप ऐसे हमारा ब्लॉग को देखते रहिए, जल्द से जल्द जानिए और प्रीवियस ब्लॉग भी देख लीजिए, ठीक है? जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए, और सब्सक्राइब करना भूलना मत। सब्सक्राइब तो जरूर करना, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चलो अब ऐसे आप ब्लॉग को देखते रहो, दिन भर का क्या होता है वो नहीं आपको दिखाएंगे, ठीक है? लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? मैं करूँगा, मेरा बहुत तैयार करूँगा। आपके भाई के साथ अलग अलग थे थोड़ा, उनके साथ थोड़ा गुस्सा हो गए थे, उन्हें कुछ बोल रही थी कि गुस्सा हो गया था, फिर उनके साथ अलग अलग थे। फिर बहुत टाइम हो गया आगे खाना बनाने के लिए, और खाना बना रहे हैं, यहाँ पे राइस चढ़ा हुआ है और यहाँ पे सब्जी काट रही थी, ठीक है? यहाँ पे चढ़ा हुआ है और देखते रहिए मैं क्या करती हूँ। तो भाई क्या कर रहे हैं, लास्ट में एक काम भी करना पड़ा। इधर जरा देखो, इधर इधर अरे इधर देखो, देखो जरा से इधर, अरे देखो इधर, हमारा पैसा बचा रहे हैं। जिसको भी जिसको काम कराना है घर का बुला देना है, इनको काम करेंगे।
आपको कल बोल रहे थे यहाँ वॉलपेपर वाला आएंगे लगाने के लिए, तो इसके लिए थोड़ा यहाँ का काम था, कल बुला के कराए और थोड़ा इसको सीमेंट दे के प्लास्टर करेंगे बोल के बोले, मैं खुद कर दूंगा इसलिए कर रहे हैं। और तो देखते हो कि भाई क्या कर रहे हैं, अभी कुछ काम नहीं है, उनका काम आया नहीं है तो अभी घर पे हैं। जो घर का काम थोड़ा रहता है थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं काम, और ऐसे हर चीज़ का हुनर होना चाहिए, और उनके अंदर हर चीज़ का हुनर है। वो मतलब कोई काम को छोटा नहीं समझते, वो सब काम कर लेंगे, उनको जो काम दो वो कर लेंगे, वो कोई काम में मना नहीं करेंगे। मैं काम नहीं करूँगा मुझे शर्म लगता है, वैसा नहीं है उनके अंदर, उनके अंदर वो सब काम कर देंगे। तो ऐसे देखते रहिए हमारा ब्लॉग को। ओके, हमारा मिस्त्री क्या कर रहे हो? मसाला? और यहाँ पे शेरू हमारा देख रहा है भाई क्या कर रहे हैं। शेरू हेल्पर। तो वो थोड़ा छोटा काम था इसलिए क्यों बुलाएंगे, किसको, खुद कर लेंगे तो सही है, अभी कोई आएगा तो फिर वो उसमें पैसा जाएगा, तो इसलिए बोले कि मैं खुद कर लूँगा, क्यों जाऊँगा किसको बुलाने के लिए। सही है ना, पैसे ऐसे बचत करना चाहिए, पर उनके अंदर नहीं है बचत करने का, उनके अंदर वो जितना उड़ा सकते हैं। और अभी तो खाना बन रहा है, लंच बन रहा है और फिर लंच के बाद फिर जाना है, फ्रेश होना है। क्या आप ऐसे देखते रहिए हमारा ब्लॉग को और प्रीवियस ब्लॉग को देखिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मैं मेरे लिए खाना बना रही हूँ, मतलब कि मैं रोटी खाऊंगी इसलिए मैं आटा चटक रही थी, और खाना तो बन चुका है, बस ये आटा चटकना है और फिर जाना है, फ्रेश होना है, फिर नमाज पढ़ना है। तो देखते रहो हमारे वीडियो को। तो मेरा किचन का काम सब ख़त्म हो गया, खाना भी बन गया और सब काम ख़त्म। अब मैं जाऊँगी फ्रेश होने के लिए, और चलिए देखते हैं आपका भाई का काम कहाँ तक गया। मैं तो उनको कुछ हेल्प नहीं की हूँ, मैं मेरा काम कर रही थी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ती है। और यहाँ दादी चिल्लाए, वहाँ का पूरा हार्ट शेप हो गया, वहाँ का पूरा हार्ट शेप हो गया। हमारा पैसा बोल गया ना नहीं?
लेकिन क्या होगा, टाइल्स पूरा खराब हो जाए, कुछ बिछा के करने से इतना गंदा हुआ रहता है, खिड़की सब खराब। तो जा रही हूँ, दादी खाने मांग रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे इतना ज़्यादा से खाना ला के दे, जा रही हूँ उनको खाना दूँगी, फिर मैं जाऊँगी फ्रेश होने के लिए। मेरा कुछ हेल्प चाहिए क्या? हाँ मैं जाती हूँ नहा के नमाज पढ़ने के लिए। हाँ बोल रहे हैं मेरा कुछ हेल्प नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ दादी को खाना खिला के फिर जाऊँगी फ्रेश होने। तो अजान हो गया, अब तक मैं नमाज मतलब फ्रेश भी नहीं हुई और नमाज भी नहीं पढ़ी हूँ। तो दादी को खा भूख लग रहा है बहुत ज़ोर से, अब तो सुने होंगे चिल्ला रहे हैं, बोले खाना ला के दे, तो मैं जा रही हूँ उनको खिला दूँगी, तो मेरी टेंशन दूर हो जाएगा, मैं नमाज़ पढ़ूँगी किताब पढ़ के उठूँगी तो कुछ टेंशन नहीं है। ऐसे नमाज़ पढ़ के किताब पढ़ के उठ के उनको खिलाने में बहुत लेट हो जाता है, और तो चलो उनको खिलाती हूँ और फिर फ्रेश होकर नमाज किताब पढ़ने के बाद फिर मैं खाऊँगी, पापा मम्मी सब खाएँगे। और देखते रहिए आगे तक। खाने के लिए बैठे हैं, खाएंगे अभी, खिलाना है, बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है। बोल रहे हैं क्या दिखा रही है, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। चलो उनको खिला कर फिर मैं जाती हूँ, बहुत लेट हो चुका है, 1 बजे है। क्या कहेंगे, उनका दिमाग थोड़ा है, ये छोड़ जाने से ऐसे ही होते रहते हैं, कौन आए थे, कौन आए हैं वहाँ पर, कौन खड़ा हुआ है, ऐसे सब कहेंगे। ठीक है, आप ऐसे देखते रहिए मेरे को। नमाज़ पढ़ के किताब पढ़ के उठ के आ गई और फिर अभी जा रही हूँ, मम्मी के लिए रोटी बनाऊँगी और लंच करूँगी, बहुत जैसे भूख लगा है। तो देखिए मैं क्या खा रही हूँ, तो देखिए अभी रोटी बना रही हूँ मैं, देखिए मेरा खाना रेडी हो गया, तो मैं जा रही हूँ खाने। आई होप आप सब तो खा लिए होंगे, दोपहर का लंच हो गया होगा, अभी तो कितना 2:30 हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए। आपके भाई काम पे लगे हैं, अब तक उनका काम ख़त्म नहीं हुआ है, उनके साथ खाई होती लेकिन वो बहुत लेट कर चुके हैं, मुझे भूख लगा है, तो मैं जा रही हूँ खाऊंगी, फिर वो आने से वो फ्रेश हो जाने से फिर मैं उनको खिलाऊंगी, और तो देखते रहिए। आपका भाई का काम ख़त्म हो गया, वो फ्रेश होके आ चुके हैं, उनको बहुत जैसे भूख लग रहा है, तो जा रही हूँ उनको खिलाऊंगी। और अम्मी ऐसे भी नहीं खाए हैं, सबके लिए जा रही हूँ खाना निकाल दी हूँ, तो जा रही हूँ खाना खिलाऊँगी और आपके भाई को खाना खिलाना है, फिर अम्मी ऐसे खाएँगी। तो बेचारे बहुत मेहनत करके आके बैठे हैं, बहुत मेहनत करके आके बैठे हैं बेचारे, खाएंगे वो।
खाने आओ। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे। भाई को खिला देने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी आपके भाई सब कैसे काम सब किए हैं, क्या किए हैं दिखाऊंगी। ठीक है, अब ऐसे देखते रहिए मेरे वीडियो को। तो देखिए आपका भाई जो काम कर रहे थे वो पूरा ख़त्म हो गया काम। तो अब इस पर ही पुट्टी मार के कॉलर मारेंगे, सब पूरा क्लीन। तो भाई आज पूरा बहुत मेहनत किया है। तो मम्मा स्कूल से आ गया, आके फ्रेश होके खाना खा के अभी थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर जाएगा ट्यूशन। और उसका एग्ज़ाम भी चल रहा है, वो थोड़ा इसलिए बिजी है, पढ़ाई कर रहा है एग्ज़ाम के लिए। दुआ करो, दुआ करो मेरे मम्मा के लिए, दुआ करो। नहीं हाँ, इतना काम करके कब बेल्ट, बेचारे बहुत काम करते हैं। क्या कपड़ा वपड़ा नहीं मेरा तो बहुत सारा जगह मैं बिना कपड़े में घूमता हूँ। थोड़ा वो बॉडी दिखाना चाहते हैं आप लोग, तो उनका बॉडी देख के थोड़ा कमेंट कर दिया। बहुत ही खराब बॉडी, बहुत मेहनत किए हैं। मेरा जान ठू गेल उठो, ऐसे मत बोलो इसमें। ये भी बहुत अच्छी है, अच्छी मतलब बहुत अच्छी है, बस मुझे छोड़ के और सबको प्यार करती है। मुझे बिल्कुल प्यार करती नहीं ये, और सबको प्यार करती है। उनके अम्मी पापा, मेरे अम्मी पापा, कसी, छोटी अप्पी, बड़ी अप्पी, भैया, अनु भाई, भाभी और अरसु, बस मुझे छोड़ के। मुझे छोड़ के हाँ, सब देखते होंगे मैं भी बहुत प्यार करती बोल के। नहीं नहीं प्यार व्यार नहीं है सर, मैं बहुत प्यार करती बोल जाऊँ। ये मेरी जान है, ये मेरी जान है, मैं जान है। अभी खाना खिला के उनको, मेरा जान मेरे पास हुआ है। अब मैं उनको खाना खिला के अभी मैं बोली कि थोड़ा रेस्ट कर लो, कमर वमर पूरा बैंड हो गया है उनका काम कर करके, थोड़ा सो जाऊंगी, कब उठूंगी पता नहीं। चलो जाओ तुम रेस्ट कर लो, बहुत काम करती है बेचारी, सुबह से उठ के ब्लॉग बनाती है, दादी का देखती है, खाना बनाती है घर। ब्लॉग बनाना भी काम ये एक नया ऐड हो गया ना काम ना, नहीं ब्लॉग बना देती हूँ सब देखेंगे। बस लड़की को सपोर्ट करो, प्यार करो बहुत सारा, और ऐसे ही साथ देते रहिए, और फैमिली बन के रहिए, सुख दुख में खड़े रहिए, और जहाँ भी पहुँचेंगे आप सब के साथ पहुँचेंगे नानी। तो सो जाओ जी, बेशक सो जाओ, जल्दी से रेस्ट कर लो, फिर नमाज पढ़ो जी। इसका जोहर का तो नमाज पढ़ सके नहीं, अब असर का नमाज पढ़ोगे, सो के उठ जाओ, चलो दोनों सो जाएंगे जी। फिर असर के टाइम में उठ के फिर नमाज पढ़ेंगे। जाओ जल्दी से जल्दी लास्ट वाला ब्लॉग देख लो, जाओ जाओ जल्दी जाओ। तो आप ऐसे देखते रहिए हमारा ब्लॉग। असर का तो नमाज हम दोनों पढ़ लिए थे, सोए नहीं थे दोपहर में क्योंकि खाते वक्त लेट हो गया सबका, और फिर बड़ी अपी कॉल किए थे, उनसे बात करते करते 4:30 हो गया, तो सोए नहीं हम दोनों, गए नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ के आके तो फिर सो गई थी थोड़ा, फिर मगरिब का वक्त हुआ तो अभी नमाज पढ़ के उठ के आके और चाय चढ़ा दी, क्योंकि दादी को पीना है, वो इतना चिल्लाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, सोने नहीं देते हैं, फिर जाके उनको चिल्ला के आई, फिर भी उनका चिल्लाना बंद नहीं हो रहा है, और उनको चाय पीना है इसलिए चाय अभी चढ़ा के आई, और क्या फिर जाऊँगी, मेरा जो पीना है वो पीऊँगी। और ये आपके भाई भी नमाज पढ़ रहे हैं, और क्या। तो पापा के कोई दोस्त गए थे हज को, उमरा को गए थे, तो वो खजूर और पानी ये सब लेके आके दिए थे, तो मुझे खजूर खाना बहुत पसंद है, तो मैं खजूर खा रही थी, और
और क्या, ऐसे देखते रहिए हमारा ब्लॉग। आप सब तो जानते होंगे मैं क्या पीती हूँ, तो इसको पी लूँगी फिर। मेरा ये चाय के बदले ये पीना होता है। मेरा काम खत्म, चाय हो जाएगा फिर दादी को लेके चाय दूंगी। और आपके भाई के लिए मकई थोड़ा सिझाना है, मकई सिझाऊंगी। स्वीट कॉर्न खाएंगे वो। स्वीट कॉर्न हमारे घर में सबको पसंद है, तो वो खाएंगे स्वीट कॉर्न, इसलिए उनके लिए स्वीट कॉर्न जरा सिझा दूंगी। तो ऐसे देखते रहिए हमारा ब्लॉग, आगे क्या होता है। जा रही हूँ दादी को थोड़ा चाय दे दूंगी, वो बहुत चिल्ला रहे हैं, उनको जाके थोड़ा चाय दे देने से वो चाय पी के थोड़ा चुप होकर बैठेंगे, वरना ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। मियाँ स्वीट कॉर्न बना रहे हैं मेरे लिए। तो किसके लिए? मेरे लिए अकेले जान के है। दोनों खाएंगे तुम? नहीं खाने। क्या खाया? कुछ नहीं। इसमें खाने से क्या प्रॉब्लम होगा? कम खाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो कौन खाने का मज़ा कुछ और है। तो यहाँ पे अन्नी भी मैं कर रहे हैं नानी। नहीं यार येलो के साथ येलो भी मैच कर जाता है। इसको चेंज करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डालो। तो मैं इसको खाऊंगा अभी, आज जिम जाऊँगा बहुत दिन से, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे यानी 3 दिन के बाद आज जिम जाऊँगा। तो कल गया था? नहीं कल नहीं गया था ना, कल कहाँ गया था? नहीं कल लेट हो गया, 10 बज गया। और मेरा एक मूड होता है, जब मूड के बाहर हो जाता है, टाइम जब ज़्यादा हो जाता है, तो मैं और जाता नहीं हूँ जिम। तो आज जरूर जाऊँगा, 3 दिन से मैंने यानी कि एक्चुअली मंडे हमारा वीक ऑफ रहता है, बट मैं संडे से नहीं गया हूँ, देन मंडे एंड ट्यूसडे और आज ही। तो आज तो जरूर जाना है और बस से भी खाना है, उसके बाद जिम जाएंगे। जिम 9:30 बजे निकलेंगे। आज हैवी वर्कआउट करना पड़ेगा। नहीं 3 दिन से हुआ नहीं मैंने, आज हैवी वर्कआउट। अन्नी वर्कआउट नहीं करती। जाएंगे रूम को। आगे हम दोनों नमाज पढ़ के आए ईशा का, और वो जिम जाएंगे, उनके लिए एनर्जी ड्रिंक बना रही हूँ, पी के जाएंगे।
और फिर मैं किचन जाऊँगी, देखूँगी डिनर के लिए क्या बनाना है, फिर दादी को खिलाऊँगी। तो अभी ये जा रहे हैं जिम, जिम से आएंगे कब पता नहीं, वो आते वक्त 11 बजे का शायद। तो क्या बोलते जाओ नहीं जिम? नहीं नहीं, 3 दिन से जिम नहीं गए हैं, जाएंगे वो जिम। 3 दिन से जिम नहीं गए, सोचो। तो जाओ जिम, जाओ जिम, जल्दी आ जाओगी। तब तक और कुछ दिखाते रहो उनको, ठीक है? मैं भी जाऊंगी किचन, डिनर भी बनाना है कुछ, फिर दादी भी खाएंगे। तो चले ये जिम। शेरू तो बोलते कि मैं जाऊंगा जिम, शेरू को भी ले जाओ जिम। टाटा। जिम अब मैं जा रही हूँ, क्या बनाना है बनाऊंगी, मैं तो बैठूंगी दादी को खिलाऊंगी। Now we all fall down sometimes, yeah, but that's just अभी जेल से अभी निकले, अभी घर जाएंगे। तो आज नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं
क्विक में स्टार्टिंग में मैं लेग मार देता हूँ और एंडिंग में मैं लेग मार देता हूँ, या बीच में कोई क्विक में कोई बीच में, या तो स्टार्टिंग में मार देता हूँ लेग। तो चलते हैं घर और अन्नी क्या करते हैं वो तो पता चल जाएगा ब्लॉग में, ठीक है। तो अभी हम घर के लिए निकलते हैं। आप लोग सोचते हो कि मैं अकेला जिम में क्यों क्या करता हूँ, मैं अकेला ही हमेशा मारता हूँ, मेरा कोई पार्टनर वार्टनर नहीं होता है। कभी कभी एक ही पार्टनर है जो उसका नाम कान्हा है, जो कि आज वो एब्सेंट था, वो आया नहीं है, वो मोस्ट ऑफ ऑल कभी कभी आता ही नहीं है, नहीं तो उसके साथ मारता हूँ, नहीं तो अकेला कंफर्टेबल रहता हूँ। अकेले में जितना वेट जाता है उतना मारता हूँ, ज़्यादा हैवी वेट लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती, जितना मेरी बॉडी कैपेसिटी है मैं उतना ही लेता हूँ। तो चलते हैं घर, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, यानी कि 10:45 हो गया, तो घर जाते हैं। और अन्नी का तबीयत भी ठीक नहीं है, तो जल्दी चले जाना अच्छा रहेगा। और ज़्यादा भी मैं वर्कआउट नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना भी हेवी लिफ्टर नहीं हूँ। तो चलते हैं और गाड़ी भी रखा हूँ, हमारा दुकान ये है, तो हमें वो फैब्रिकेशन का दुकान है, ये दिख सकते हो सर, एक फैब्रिकेशन एंड इंटीरियर, तो हमारा वर्कशॉप है। तो गाड़ी में मल्टी पार्किंग करके जाता हूँ। तो मैंने आज कार लेके आ गया, कभी कभी मैं कार लेता था, हमेशा नहीं लेता था, नेक्स्ट जब बारिश गिरेगा इस वजह से मैं कार लेकर आया हूँ। तो चलते हैं, बहुत थक गया हूँ क्योंकि लेट डे में आप जानते हो बहुत ज़्यादा स्टेमिना जाता है और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील होता है, बहुत वीकनेस फील होता है। तो चलते हैं घर। खाना लिखा है? मैं खाऊंगी, मुझे हर दिन खिलाओगे रात को। क्या वाली? मैं खाऊंगी। खाएगा नहीं? एप्पल खा रही थी ना। एप्पल कौन खाता है? ना मैं खाती हूँ। तुम खाती हो? हाँ। मम्मा का मेडिसिन लाया था ना? दुकान बंद 11 बजे कौन दुकान खोलते हैं? ठंडे में मेडिसिन खाते नहीं अन्नी? बच्चों को पूरा ठंडा हो गई से वो चिड़चिड़ होती है। ठंडे में मेडिसिन खाने से कुछ फ़ायदा नहीं, जानती हूँ। उसे जरा तेल लगा दो, उसे बोला कि पैर हाथ में सरसों तेल लगा दो, समझा? समझा? तो खा लेते हैं, खाने के बाद बात करते हैं क्या नहीं। हाँ, तो गाइस खाना पीना ख़त्म हो चुका है, अन्नी भी खा चुके हैं, यानी वो तो शाम को खाना खा लेते हैं, उसके बाद से और खाते नहीं है। तो मैं जिम से आके खा पी चुका हूँ। मुझे ज़बरदस्ती करके खिलाते हैं। कहाँ, मैं अभी तो खाई नहीं, अभी कल खिलाया था। हाँ, कभी कभी खिलाया था, प्यार करता हूँ इसलिए खिलाया था। भूखे रहोगे तो पेट भूखा रहेगा तो नींद होगा ना, तो इसलिए कमज़ोर हो जाएगा, जैसे ऐसे कमज़ोर हो जाएगा, खाली दिखता बम मगर है कुछ नहीं अंदर। तो चलो बस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। आज दिन का जो भी वीडियो है आप लोग को, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। जो जैसा होता है वैसे कर देते हैं, ऐसा कुछ हमारे पास है ही नहीं, नहीं है। हाँ, तो जो जैसा होता है वैसे कर देते हैं, बस आप बस साथ रहिए हमेशा के लिए, फैमिली बन के रहिए। जो भी कुछ होगा, कुछ अपडेट होगा तो आप लोग को दिखाएंगे। हम भी चाहते हैं कि आप लोग को अच्छा से अच्छा चीज़ दिखाने के लिए, ठीक है, बट थोड़ा टाइम दीजिए हमें और बस आप सबका साथ होना चाहिए। बस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारा प्यार करो इस लड़की को क्योंकि बहुत मेहनत करती है, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।